प्रदेश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसका हालिया उदाहरण उज्जैन जिले की खाशोद तहसील अंतर्गत आने वाले गांव मुरानाबाद से सामने आया है। यहां एक महिला के ऊपर पैसों के लेन देन के चलते एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस भी उदासीन नजर आ रही है। महिला के सिर पर डंडे से वार करने वाले व्यक्ति का नाम सुभाष मीणा बताया जा रहा है। फिलहाल महिला को रतलाम अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहां आईसीयू में महिला जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। इस पूरी घटना की शिकायत खाशोद पुलिस से की गई, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बताया गया है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध मामूली धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी मामले की विवेचना की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा कहां पर हुआ था? झगड़ा मेरे घर पर हुआ। मेरे घर पर आकर सुभाष ने गाली दी कि मेरे को पैसे दो। तो पैसे देने के लिए मैंने मना करा। उसकी देर में उसकी मम्मी और उसका भाई पदम सिंह भी आ गए और उन्होंने भी गाली देना शुरू कर दी। मैंने पैसे उनको बोला कि तुम्हारे मेरे वो आएंगे घर से जब आपको पैसे देंगे, तो उन्होंने मारपीट और गाली गलौज करके मारपीट करना चालू कर दिया और मेरे सिर में गहरी चोट दे दी। उसके बाद में मुझे होश नहीं है कि क्या हुआ और मैं सोहा हॉस्पिटल में अभी भर्ती हूँ 4 दिन से। मुझे तो आईसीयू में आने के बाद होश आया।